इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी मोदी के चेहरे के साथ ही उतरेगी। साथ ही बीजेपी बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं करेगी, तो ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या ये आधिकारिक रूप से बीजेपी का वर्जन है, ये घोषणा कर दी गई? जी हाँ, बिल्कुल। बिहार चुनाव का प्रभारी बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे बिहार चुनाव प्रभारी अनंत कुमार का ये साफ कहना था कि बीजेपी किसी और चेहरे के सहारे चुनाव में नहीं उतरेगी सिवाय नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे ही चुनाव में उतरा जाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि एक तरफ नीतीश और लालू के जंगल राज का चेहरा है, दूसरी तरफ सुशासन और विकास का चेहरा नरेंद्र मोदी का है। जाहिर तौर पर उन अटकलों पर विराम लगा दिया गया है जिसके बारे में लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या बिहार बीजेपी चुनाव को लेकर बिहारी नेता को प्रोजेक्ट करेगी, तो उस पर विराम लगाते हुए उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के चेहरा होंगे अगले चुनाव में, उस चेहरे के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। जी चलिए, बीजेपी के जो बिहार में चुनाव प्रभारी अनंत कुमार, उनका क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। लालू जी और नीतीश कुमार जी, जंगल राज का दुस्वप्न है और उस जंगल राज का दुस्वप्न को बिहार की जनता नकारने वाली है, और नरेंद्र भाई नेतृत्व की सुशासन को, विकास को, जन कल्याण को अपनाने वाली। लेकिन सवाल चेहरे को लेकर उठ रहे हैं, बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन रहा है? नीतीश कुमार के लगातार सवाल उठा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है, हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, सुराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे।